चीन के साथ एलएसी पर तनाव की स्थिति जारी है। इस मसले पर अब मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के साथ मंथन किया गया। वहीं सभी दलों ने एकजुट होकर देश प्रेम का परिचय दिया। संसद में आज फिर गूंजेगा चीन से तनाव का मुद्दा। चीन को लेकर रक्षा मंत्री आज राज्यसभा में देंगे बयान। लद्दाख में सीमा पर हालात के बारे में देश को देंगे जानकारी। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा था भारत किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। बॉर्डर पर भी सेना लॉन्ग हॉल की तैयारी में जुटी है और राशन पहुंच रहा है। पेंगोंग झील के पास मैदान जंग में करारा जवाब पाने के बाद चीनी सेना अब भारतीय सैनिकों को भड़काने में जुटी है। चीन के सेना लाउडस्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़काने में जुटे हैं। दरअसल चीन अपनी हजारों साल पुरानी रणनीति पर काम कर रहा है। श्रीनगर के बटवालू में आतंकियों से मुठभेड़। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक डिप्टी कमांडेंट जख्मी। मुठभेड़ के दौरान एक स्थानीय महिला की मौत। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने 17,500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में 30 सितंबर को आएगा फैसला। आडवाणी, जोशी और उमा भारती हैं दिसंबर 1992 की घटना के आरोपी। सभी को स्पेशल कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया। दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,473 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जो पिछले कुछ समय से दिल्ली में मिले एक दिन के मरीजों में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज, और इस अवसर पर सूरत में उनके प्रशंसकों ने 71 किलो का केक बनाया। मोदी के समर्थकों ने उन्हें देश का सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर बताया और जन्मदिन के मौके पर केक काटा गया। नवंबर तक भारत में आ जाएगा कोरोना का रूसी टीका। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में कोरोना का 10 करोड़ टीका बेचने के लिए रूसी निर्माता RDIF से करार किया है। ये टीका नवंबर तक भारत आ सकता है। अजमेर के पिसांगन में एक साथ 12 और पिचौलिया और बुधवाड़ा में एक एक कोरोना पॉजिटिव आने के साथ क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पिसांगन में 12 कोरोना पॉजिटिव के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 102 के साथ शतक पार कर चुका है। नागौर के मेड़ता क्षेत्र में कोरोना का कहर जारी है। मेड़ता क्षेत्र में देर रात तक 23 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं अजमेर में इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। कोरोना जांच की कीमतों में कटौती करते हुए 2200 रुपए से इसे घटाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। कोटा जिले के खातौली के गोठड़ा में चंबल दुखांते का मामला। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों ने आज 2 और शव किए बरामद। किशोरी अलका और ज्योति बरनाहली का मिला शव। ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की अहम बैठक आज। वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे चीन सहित 5 देशों के एनएसए। बैठक में अजीत डोभाल करेंगे भारत की नुमाइंदगी। सार्क की वर्चुअल बैठक 24 सितंबर को। सार्क के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। भारत पाकिस्तान भी होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे विभिन्न आयोजन। बीजेपी ने की खास तैयारी, देश भर में मना रही सेवा दिवस के रूप में। एनएसए अजीत डोभाल ने एससीओ की वर्चुअल बैठक से वॉकआउट कर दिया। डोभाल ने यह कदम पाकिस्तानी प्रतिनिधि की ओर से गलत नक्शा दिखाए जाने के बाद उठाया। राज्यसभा सांसद जया बच्चन की तारीफ में शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखा गया, जिसमें लिखा गया जया बच्चन बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। कल जया ने कहा था बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश हो रही है। दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर कंगना ने याचिका दायर कर बीएमसी से 2 करोड़ मुआवजे की मांग की। संशोधित अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा कर दिया गया है। कंगना की याचिका पर 22 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। 23 सितंबर से फिर जयपुर मेट्रो पटरी पर दौड़ेगी। मुख्यमंत्री गहलोत फेज 1B का भी 23 सितंबर को लोकार्पण करेंगे। बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक मेट्रो का संचालन होगा। 25 सितंबर से जयपुर से भोपाल के लिए स्पाइसजेट एक नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। भोपाल के लिए जयपुर से ये दूसरी सीधी फ्लाइट होगी, जो सुबह 6:35 पर जयपुर से रवाना होगी। हड़ौती के ताल तलैया फिर से देसी विदेशी मेहमानों से आबाद हो गए। विदेशी मेहमानों की मेजबानी में बर्ड लवर्स जुटे हैं। विदेशी पक्षियों के आने से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की उम्मीद जगी है। याशिहिडे सुगा होंगे जापान के अगले पीएम। पूर्व पीएम शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। स्विंटन से मैनचेस्टर जा रहा एक बस जिसका वीडियो हुआ वायरल, इसमें बैठा एक शख्स मुंह पर मास्क की जगह सांप लपेटे सफर कर रहा है।